हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ हनी चिली पोटैटो की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 से 5 आलू ले लिए थे। इन्हें मैंने कट करके पानी में भिगोकर रख दिया। पानी में भिगोकर रखने से इनमें कालापन नहीं आता है। अब हम पोटैटोस को बॉयल करने के लिए पानी गर्म कर लेंगे। इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। हम इस गर्म पानी में सारे पोटैटोस को डाल देंगे। अब इन्हें हम 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बॉयल बिल्कुल नहीं करना है इन्हें। अब पोटैटोस कुक हो गए, अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें से मैंने पानी निकाल दिए। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। अब हम एक बर्तन में 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, 1 कटोरी ही मैदा डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब ये पेस्ट रेडी हो गया है। सारे पोटैटोस को हम इस पेस्ट में डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पेस्ट के साथ। मैंने ऑयल गरम कर लिया था। अब हम पोटैटोस को फ्राई करेंगे। इसमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। पोटैटोस क्रिस्पी हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। ये सारे पोटैटोस को हमने फ्राई कर लिए। अब हम इन्हें डबल फ्राई करेंगे। अब हम इन्हें हाई फ्लेम पर एक बार फिर से फ्राई कर लेंगे। अब हम सॉस रेडी करेंगे। ये मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया था। इसमें हम चॉप जिंजर और गार्लिक ऐड कर देंगे। एक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। एक बार एक कटी हुई कैप्सिकम डाल देंगे। 1 प्याज ऐड कर देंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच में इसमें देगी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। 2 चम्मच रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। आप सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच सोया सॉस और 3 चम्मच टोमेटो केचप। एक चम्मच विनेगर ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। ये मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना ली थी। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच ही पानी ऐड किया है इसमें। ये सॉस को थिक करने में हेल्प करेगा। ये देखिए, सॉस एकदम थिक हो गई है। अब हम इन्हें 2 चम्मच हनी ऐड करेंगे। अब हम गैस फ्लेम को बंद करके इसमें सारे पोटैटोस ऐड कर देंगे। अब इसे हम व्हाइट तेल और स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर देंगे।
अभी हमारे क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।